हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आप ये जो 3D मॉडल सेटअप देख रहे हो, ये है ड्राई स्टीम जियो थर्मल पावर स्टेशन का। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ड्राई स्टीम जियो थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, क्या क्या प्रोसेस है और किस तरह से इस प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, जिसे कहते हैं हम लोग, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जियो थर्मल पावर प्लांट में अर्थ के हाइड्रोथर्मल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, आइए हम लोग वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे चलते हैं, यानी कि जो पृथ्वी का कोर है वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या है। ओके, तो ये जो आप रेड एरिया देख रहे हो, जो रेड दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को, या हम लोग कह सकते हैं हॉट मैग्मा को। और मैं आपको बता दूं कि अर्थ के कोर में जो टेम्परेचर है वो 5000 से लेकर 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद आप ये जो ब्लू रंग का एरिया देख रहे हो, ये एक तरह से वाटर रिजर्वायर है, जहाँ पे वाटर रिजर्व रहता है। ओके, अब फ्रेंड्स होता ये है कि ये जो अर्थ के कोर में प्रेजेंट ये जो हॉट मैग्मा है, वो ये जो वाटर देख रहे हो ब्लू कलर से, इसे हीट करता है, जिससे वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। अब हॉट हाई प्रेशर वाटर, ठीक है, अपने खुद के प्रेशर के वजह से ये जो वाटर है ये ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। अब ये जो अर्थ का सरफेस देख रहे हो, ये वाला सरफेस जो है, तो वहाँ पे पहुँचते तक क्या होता है कि इस वाटर का जो है, उसमें से कुछ वाटर जो है वो स्टीम में बदलने लगता है। ठीक है, अब ये जो स्टीम है वही होता है ड्राई स्टीम, जिसे यूज किया जाता है ड्राई स्टीम जियो थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो जो रेड कलर का पाइप दिखाई दे रहा है, उसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ होल्स है। ओके, तो ये जो ड्राई स्टीम है वो इन होल्स के अंदर इंटर करता है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है वो। उसके बाद ये जो रेड पाइप देख रहे हो, उस पाइप से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाता है ऊपर, ये जो वाल्व देख रहे हो आप, इस वाल्व तक पहुँच जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो ड्राई स्टीम है वो कम से कम 1 से लेकर 3 किलोमीटर एवरेज है ये डेप्थ, इतना ट्रैवल करता है ये ड्राई स्टीम। उसके बाद पहुंचता है इस वाले एरिया में, यहाँ तक पहुंचता है। अब इस प्रेशर रेगुलेटरी वाल्व से होते हुए ये जो आप रेड पाइप देख रहे हो, इससे होते हुए यहाँ से ऐसे जाते हुए ये पहुंचता है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर जल्दी से, ये जो आप देख रहे हो स्टीम टर्बाइन। ओके, इस स्टीम टर्बाइन तक ये ड्राई स्टीम पहुंचता है। अब मैं आपको एक बार जल्दी से स्टीम टर्बाइन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये एक रोटेटिंग डिवाइस होता है, जो कि फास्ट मूविंग स्टीम के काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये जो स्टीम टर्बाइन है। अब यहाँ पे टर्बाइन के ब्लेड लगे होते हैं। अब ये जो ड्राई स्टीम इसके अंदर में आता है, उस ड्राई स्टीम की वजह से क्या होता है कि जो टर्बाइन है उसका रोटेशन होने लगता है। अब आगे बढ़ते, अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ओके, ये जो स्टीम टर्बाइन के आगे में ये जो पोर्शन है वो है जनरेटर, तो यहाँ पे जनरेटर लगा होता है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो जनरेटर और ये स्टीम टर्बाइन है वो सेम शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। अब ये जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ड्राई स्टीम जियो थर्मल पावर स्टेशन में। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक सवाल आता है कि बाकी बचे हुए ड्राई स्टीम का क्या होता है। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि स्टीम टर्बाइन को घुमाने के बाद, पहली बात तो जो ड्राई स्टीम है उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो आप ये वाला कंपोनेंट देख रहे हो, ये हमारे पास कूलिंग टावर। अब ये क्या करता है, ये स्टीम को कूल डाउन करता है, ठंडा करता है और इसे वाटर में कन्वर्ट करता है। ये जो आप ब्लू पाइप देख रहे हो, ये वाटर का पाइप है। ओके, उसके बाद ये वाटर आगे जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से यहाँ पे, ठीक है। आप ये जो येल्लो पाइप देख रहे हैं वो कंडेंसर का पाइप है। अब कंडेंसर क्या करता है, वो भी क्या करता है, रिमेनिंग स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है। ओके, उसके बाद ये जो वाटर है जो कि ठंडा हो चुका है, वो इस पाइप से होते हुए ऐसे आगे बढ़ता है, मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ एक बार आपको। ओके, फिर यहाँ से ये पाइप होते हुए ऐसे बढ़ता है, जो येल्लो पाइप आप देख रहे हो, और वाटर फिर इस वॉल्व के होते हुए फिर वापस से ये जो आप रिजर्वायर देख रहे हो, येल्लो कलर से आप पाइप से देख रहे हो, इस रिजर्वायर में वाटर चला जाता है, उसे फिर से रीयूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था सेटअप ड्राई स्टीम जियोथर्मल पावर प्लांट का, और इस तरह से जियोथर्मल पावर प्लांट में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, वो बहुत ही चीप होता है। एक बार ये सेटअप हो जाता है तो फिर हम लोग आसानी से बहुत कम पैसे में
इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक दिक्कत की बात क्या है कि ये जो ड्राई स्टीम जो जियोथर्मल पावर स्टेशन है वो दुनिया में सिर्फ इटली और कैलिफोर्निया में ही इस टाइम पे वर्किंग है, बाकी जगहों में इसे यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।